हे गाइस, वीडियस मोटरसाइकिल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ सांचे के पास जो है वाटरफॉल पर, तो जो कि हम जाएंगे उदयगिरी वाले रोड से। तो ये हमें बैतवा नदी पड़ी है, काफ़ी भीड़ थी, नदी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। तो हम चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको उदयगिरी वाले रूट से। काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ का, काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, आप देख सकते हैं। तो ये रास्ते में उदयगिरी भी पड़ता है, उदयगिरी का लोकेशन भी आप देखिए। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रास्ते में ये उदयगिरी का रूट पड़ता है और साथ ही साथ ही हम चलते हैं रास्ते का मज़ा लेते हुए। काफ़ी अच्छी लोकेशन थी ये। यदि आप विदिशा के आसपास रहते हैं, अगर आप वाटरफॉल घूमने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आप कपल्स के साथ, किसी के साथ, तो गाइज़ आ गए हैं हम उस वाटरफॉल में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आप अपनी यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हैं, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम आपको आगे भी ले चलते हैं। आगे भी एक झरना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे। यहाँ का जो लोकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो अब हम आपको आगे ले कर चलते हैं। आगे छोटे छोटे झरने और भी हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाते चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब आज संडे था और फ्रेंडशिप डे भी था। तो मेरा फ्रेंडशिप डे तो काफ़ी अच्छा मन गया मेरे भाइयों के साथ। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थक गई थी गाइस, मेरी स्लीपर्स जो है बहुत ज़्यादा फिसल रही थी, इस कारण से मैं भी फिसल गई थी। और ये मेरे भाई लोगों ने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। तो गाइस हमने, मैं थक गई थी तो अब यहाँ पे हमने नाश्ता भी किया था। तो अब चलते हैं, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। आप अपने यहाँ पे खाने की चीज़ें भी ला सकते हैं और ये बहुत सेफ़ जगह है, यहाँ पे पुलिस का पहरा भी अच्छा हो काफ़ी होता है। काफ़ी इंजॉय करते हुए हम अब आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे मेरे भाई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया, तो भाई की स्लीपर ना जो है कि भाग भाग के जा रही थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गाइज़ वीडियो को हमारा पूरा देखिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हम आपको लेके चलते हैं। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण गाइज़, तो मैंने तो इस वाटर में नहीं ना आया, क्योंकि अगर मैं इसमें नहाती तो और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो सकती थी। लेकिन आप बिल्कुल इन्जॉय कर सकते हैं। बीच में हमें ये छोटी सी झील भी पड़ी थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया भाई लोगों ने, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अगर तो गाइस हम तो थोड़ा लेट हो गए थे आने में, लेकिन अगर आप लोग आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो मॉर्निंग में निकलिए, आराम से दिन भर घूमते हुए यहाँ पे इन्जॉय करते हुए आप जाइए। जाते जाते आपको शाम होनी है, मतलब काफ़ी इन्जॉय करते हुए आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ का व्यू लोकेशन भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, दिखने में बहुत अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पर पुलिस का पहरा काफ़ी होता है, तो ये सेफ़ है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो चलते हैं अब हम आगे। तो गाइस ये विदिशा से 12 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। आप इसके दो रूट हैं, एक उदयगिरी वाले रूट से भी जा सकते हैं और सांची वाले रूट से भी जा सकते हैं। हमें जाते जाते हो गई थी शाम गाइस, तो बहुत इन्जॉय किया, आज का दिन बहुत याद रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।